हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एम एस शिवांश। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। आज हम सब मिलकर आए हैं साईं मंदिर, मैं, बाबू और बाबू के पापा। देखिए, साईं मंदिर में आते ही बाबू कैसे शर्माने लगा, घंटी बजाते ही शर्माने लगा बाबू। देखिए, आगे चलते हैं। आज वैसे ना वीरवार नहीं था, इसलिए साईं मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और हम गए भी थे ना तो शुक्रवार के दिन, और वो भी दोपहर में, क्योंकि उस दिन उसके पापा जी की छुट्टी थी। मेरा ज्योतिया व्रत था ना, तो मैंने कहा चलो आज मंदिर चलते हैं, थोड़ा मन कर रहा था मंदिर जाने का। तो देखिए, हम साईं मंदिर आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि साईं बाबा की पूजा वीरवार को ही होती है, मंदिर तो हर दिन खुला रहता है। इसलिए हम लोग गए दोपहर में, और अंदर लोग नहीं थे क्योंकि बाहर ना भंडारा चल रहा था, सब लोग भंडारा खाने में लगे हुए थे और लेने में। देखिए, बाबू जा रहा है पापा जी के साथ। बाबू बहुत खुश हो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था वहाँ पे, और इसकी आवाज़ पूरे हॉल में पूरा गूंज रहा था। देखिए, बाबू जा रहे हैं, अब बाबू प्रसाद चढ़ाएगा। देखिए, फिर मैं भी आ गई, हमने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी ने फिर हमें टीका लगाया चंदन का। बाबू लगवा नहीं रहा था, मुंह छुपा रहा था। उसके बाद हमने उसको टीका लगवा दिया। फिर भगवान जी को देखिए, साईं बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसके पापा जी ने चरणों में माथा टिकवाया बाबू के। साईं बाबा जी कितने सुंदर, कितनी भव्य मूर्ति है, देखिए बाबू को चरणों में भी स्पर्श कराया भगवान जी के। बाबू वैसे डर रहा था, लेकिन फिर भी माथा टिकवा दिया हमने। फिर उसके पापा जी ने जय किया, प्रणाम किया। बाबू देख रहा है, बस बाबू को तो मस्ती सूझ रही थी, बस वो इधर उधर खेलने के लिए लग रहा था। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं साईं बाबा। देखिए, साईं बाबा की जय हो।